नमस्कार, ये 1950 के दशक की बात है। 2 साल के अंतराल पर जयपुर में एक परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। परिवार में शास्त्रीय संगीत की परंपरा, संस्कार बरसों से चले आ रहे थे। जाहिर है, छोटी उम्र में ही उन बच्चों ने भी शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू की। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनके अब्बा ने कहा कि बेटा, आप शास्त्रीय संगीत नहीं, लाइट म्यूजिक गाइए, सुगम संगीत गाइए, और उसमें भी खास तौर पर गजल गाइए। ये फैसला उनके पिता ने क्यों किया, ये उस वक्त तक उन बच्चों को पता नहीं था। तो एक सीख तो उनको ये मिली। दूसरी सीख उनके अब्बा ने ये दी कि बेटा, जिंदगी में पैसे कमाना जरूर, लेकिन पैसे बनाना नहीं। यकीन है। ये 2 सीख इन दोनों भाइयों के जीवन में एक गांठ की तरह रही, जो हमेशा इन्हें सिखाती रही। मैं बात कर रहा हूं गजल के मशहूर फनकार, नामी गिरामी, पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से उनकी जिंदगी के हर उस किस्से को, हर उस कहानी को सुनेंगे जो अब तक होता आया है। उस्ताद जी, आपने हमें समय दिया और आप लोग आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो उस्ताद जी, जैसा मैंने कहा कि बचपन में वो जो सीख आप दोनों भाइयों को मिली, एक तो वो बड़ा फैसला कि शास्त्रीय संगीत नहीं गाना है और गजल गाना है, उसके पीछे क्या कभी ये पता चला कि क्या सोच थी आपके अब्बा हुजूर की, और वो आपके गुरु भी थे? सबसे पहले जितने हमारे श्रोता संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत को सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा हमारी जानिब से आपको प्यार भरा आदाब। और हम आपके शुक्रगुजार हैं शिवेंद्र जी कि आज की दुनिया में इस तरह के संगीत के लिए समर्पित होकर काम कार्य करना एक बहुत बड़ा जिगर है, बहुत बड़ा जिगर, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब जैसा कि आप बोल रहे थे, हमारे पूर्वज, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा निकास है, जो हमारी जड़ें हैं, वो तो यूपी से हैं, मथुरा जी, लेकिन सब लोग, दादा नाना बाबा चाचा ताऊ, सब एक गुरुकुल में राज इस अंदाज का होता था कि दरो दीवार से सुरों की सदाएं आती थी। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हमारे कानों में ये संगीत शुरू से पढ़ा, और फिर कुदरत की तरफ से ये खून में रचा बसा है, फिर हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा प्रताप आशीर्वाद है। तो जैसा कि आप बता रहे थे, ये तो हम भी आज भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि वो क्लासिकल सिखाते सिखाते ऐसा उन्होंने हमें क्यों कहा कि लाइट म्यूजिक गाइए, गजल गाइए, और वो भी जोड़ी में बनकर गाइए। ये नहीं कहा कि अकेले गाइए, तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारी पहचान भी बनेगी। ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कोई ये आकाशवाणी हुई, उनको इल्हाम हुआ, कहीं से इल्हाम हुआ, सही इल्हाम हुआ, बिल्कुल अचानक बोल पड़े। ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई उनकी बनाई हुई बात नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सच्चाई ये है कि संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो इबादत की चीज है, तपस्या की चीज है, आराधना की चीज है, साधना की चीज है, और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको करने के बाद लगता है हमने कुछ नहीं किया। तो उस करने के लिए हर वक्त इस प्राप में रहना चाहिए। 1890 में जी महाराज राम सिंह जी हमारे बुजुर्गों को लेके आए थे, उस्ताद मोहम्मद खान साहब और उनके बरादान को, उनको एक हवेली भी दी थी जो मथुरा वालों की हवेली के नाम से है। हमारे पिता श्री सबसे पहले हमारी माता श्री से ये कहा करते थे, गुरुकुल में भेजना है तो पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना, क्योंकि संगीत जो है वो समर्पण मांगता है। और यार, हालांकि यूं हमने जब अपनी आँख खोली तो दादा नाना ताऊ चाचा
मौसा फूफा सब की आवाजें संगीत में जाती, जब हम नावाकिफ थे जी संगीत से तब भी सुरखान में पढ़ते थे तो माहौल भी मिला। बचपन में खेलने को खिलौनों के तौर भी छोटे छोटे हारमोनियम तबले इस तरीके से, ताकि बुजुर्गों का ही था कि माहौल शास्त्रीय संगीत का है। फिर वो हमसे कहा करते थे कि देखो एक वो है कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो है कि जो माहौल बदल देते हैं। क्या बात, मेरे इल्म को अपनाना विदा को, लेकिन मेरी टोन मत अपनाना। तुम्हें जैसे जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनकी शनाख्त घर वालों को होती है, तो इसी तरह तुम्हारी जो शनाख्त उसके यहां से आई अपनी ही आवाज में गाओ। तो और यही गाया करते कि देखो बेटे जहां बिठा दिए जाओ उठाए ना जाओ, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसा बनाना नहीं। तो इसलिए इन चीजों लेकिन अपने रियाज से कभी गाफिल मत होना और एक हमेशा एकता रखना। तो ये उसका कर्म है कि आज बचपन से अब तक हमारी ज्वाइंट फैमिली है, चूल्हा भी एक है, बल्कि जो मेरे भतीजे हैं जावेद हुसैन मौजम हुसैन वो मेरे दामाद भी हैं जी। और हमारा भांजा मोहम्मद वकील वो हमारा दामाद है। तो इस तरीके से घर के घर में ही ये माहौल रहा। फिर उन्होंने बचपन से हमें माहौल दिया। हम उन खुश नसीबों में हैं 1965-66 में नवाब जहीद यावर जंग के यहाँ वालिद साहब के साथ हम जाया करते थे। बड़े खान साहब को भी हमने हाजिरी दी, उस्ताद बड़े गुलाम खान साहब को। और जब तो हमें खुद को पता नहीं हमने क्या गाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला कि ये अल्लाह इनको सुर भी मार दे और मतलब ये सुरीला जी अल्लाह ने सुरीला कर दे। तो ये उनकी दुआएं ही हैं। और उनसे एक बार किसी ने एक सवाल किया था कि खान साहब आप हर जगह रियाज करने लगते हैं, लोग चुरा लेंगे उड़ा लेंगे। बोले बेटे अगर ये चुराने उड़ाने से आता तो मेरा बेटा बन जाता मेरी जगह। ये तो संगीत तो वो समर्पण मांगता है कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। इसी तरह उस्ताद अमीर खान साहब, ये बात है 1960 की और हमारे वालिद मोहतरम से वो बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत भी करते थे। उनके जो भाई साहब बशीर खान साहब, उनकी बेटी की शादी थी, उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो जब गए तो हमें ये फख्र हासिल है कि उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया, हमें प्यार किया। तो इससे बड़े सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। और एक बात साहब और कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो परदादा थे वो 5 भाई थे, लेकिन हमारे दादा परदादा जो है वो सिर्फ गायन पे रहे। उनके और भाइयों ने, किसी ने पखावल बजाई, किसी ने ढोलक बजाई, किसी ने तबला बजाया, किसी ने दिलरुबा बजा दिया, अलग अलग विधाओं में वो अपने तल्लीन रहते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गायन होता, मगर हमारा जो वालिद और जो दादा और परदादा और ये उन्होंने सिर्फ जो फोकस रखा वो गायन पे ही रखा है। क्योंकि गाना ये पहले कहता गाना, लेकिन जब तक आप सेवा भाव नहीं रखेंगे और गुरु कभी सिखाता नहीं है, गुरु का दिल जीतना पड़ता तब वो सिखाता है। उसके अलावा भी आपने एक बात कही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो तो मैंने आपको बताया कि ये आकाशवाणी कोई इल्हाम हुआ उनको। तीसरी सीख और दी थी उन्होंने कि भाई अगर आपको संगीत और अपने आप को कायम रखना है तो इसको व्यवसाय ऐसा मत बनाना, अपनी जीविका जरूर बनाना लेकिन व्यवसाय मत बनाना, नहीं तो तुम्हारे पास से संगीत खत्म हो जाएगा और थोड़े दिन में सिर्फ हाथ में आपके पैसा होगा, आप ढूंढते बिरंगे कि मुझे कहाँ जाना है। उस्ताद जी अब उस बात पर आते हैं और आपसे शुरू करते हैं। इस इंटरव्यू का फॉर्मेट ऐसा है कि जब तक आपके बचपन के कुछ किस्से ना सुन लूं आप लोगों के, कुछ शरारतें ना पता चल जाए आप लोगों की, तो मजा नहीं आता। तो कुछ तो शरारतें ऐसी जरूर रही होंगी। और आप लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल 2 साल के फर्क के भाई थे, तो बचपन में कुछ ना कुछ शरारतें आप लोग जरूर करते होंगे, दोनों भाई मिलकर घर वालों को परेशान जरूर करते होंगे। देखिए ज्यादातर अहमद भाई तो संजीदा रहे, तो वालिद साहब ने कहा कि तुम गंभीर हो तो तुम विलंबित करो,
तो मैं एक बात करता था और उनसे पिटता भी था, कोई भी तबला नमाज जब बजा रहे उनके साथ उनकी हथौड़ी चुरा लेता था मैं। अब वो तबला कहते मैं जब थोड़ा कोई उतर चढ़ जाता था जी। तो इस बात पे बड़े वो नाराज हुआ करते थे कि बेटे ये संगीत में मजाक नहीं चलते हैं। उसके अलावा क्या, अच्छा घरों में भी तो शरारतें चलती थी, बहन भाइयों में भी तो जी, जी, जी। तो मेरी सबसे छोटी बहन, उसको जब वो मिठाई रखी रहती थी तो मैं, मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मैं उसको ये कहता था देख 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 वो चिड़िया आई, वो उधर देखने में लगी उधर उठा के मैं खा जाता था, वो हंसती थी फिर कहती थी भाई साहब आप तो मेरी भी मिठाई खा गए। मैंने कहा नहीं मिठाई तो और मंगा लेंगे लेकिन मुझे छेड़ने में तुझे मजा आता है, अच्छा लगता है मुझे, कम से कम तू इस बहाने हंसती है, इस तरह बहाने करती है, बातें करती है, बहुत अच्छा लगता है। और शरद भाई क्योंकि देखिए आप राहगीरी इस पर काम कर रहे हैं, इस दौर में है आप कहाँ तो इतनी मतलब तलीनता या वो रखते हैं जिसे कहते हैं जुनून, तो इसमें सबसे पहले तो ये मुबारकबाद के आप मुस्तैक हैं, उस किताब को भी हमने पढ़ा और बड़ी बड़ी यादें ताज़ा भी हुई कि वालिद साहब जब हमें बचपन में ले गए उनकी बचपन की दोस्त है हसरत जयपुरी साहब जी, तो शंकर जयकिशन साहब और शैलेंद्र हसरत साहब इनका जोड़ी थी, हमने वो एक शिक्षा हसरत जयपुरी साहब से ली। जब हम वहाँ गए तो उनकी कार थी, तो शंकर जयकिशन साहब के पास मिलाने ले गए अपनी कार से। नेक्स्ट डे हमारे पिताजी बचपन के दोस्त थे तो लोकल ट्रेन से भी फिर बस से भी, तो अहमद भाई ने पूछा ये चचा ऐसा क्यों आपके पास, जब बेटे कल कार हो ना हो इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं ज़्यादातर आपकी तरह सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, कह देते हैं एकदम आपने इतनी सादगी, तो हम कहते हैं भाई जब हमारे बुजुर्गों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे उस्तादों की बनिस्बत तो हम एक खतरा हैं, वो भी हैं या नहीं है कोई पता नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हमारे हमने ये 67 की बात है तो हम 8वीं क्लास में थे, उससे पहले ये चुना किताब सब्जेक्ट आए उसमें बहुत सारे थे तो हमने उर्दू को क्रॉस मार के और संस्कृत पर टिक मार कर दिया। क्या बात, और आके पिताजी को बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले बहुत खुशी हो रही है, उर्दू का चलन तो घर में भी है और बाद में भी सीखी जा सकती है, लेकिन एक जो भाषाओं की जननी है उसको अगर तुमने सेलेक्ट किया उसमें अगर तुम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओ तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे वो हमारे अध्यापक थे मोहनलाल जी शर्मा साहब, और हमें आज भी बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम वहाँ से पढ़ के पास आउट हुए और जब बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे हाईएस्ट मार्क, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सोची, हम उनके बच्चे भी हुए विद्यार्थी भी हुए सब एक टाइम पीरियड जीती, और उस ज़माने में बाल सभाएँ होती थी ख़ास तौर से शनिवार को होती थी, उसमें उन्होंने सबके सामने आशीर्वाद भी दिया वो भी दिया, तो आज उसकी मेहरबानी है कि हम संस्कृत और हिंदी की बदौलत भजन या श्लोक या कुछ भी गा लेते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा था कि एक फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारा नाम हो गया, नाम हुआ तो एक हमारे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन आ गया, भाई ये अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब का फ़ोन है। मैंने कहा जी, और मुझे आप यकीन मानिए मैं हम लोग कहानी नहीं बनाते हैं, और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ और फिर आभास सा हुआ कि ये तो हमारी जान पहचान ही आवाज़ है। अच्छा हाँ, और मैंने बेसाख्ता कह दिया उनसे बिल्कुल, मैंने कहा आप भवनलाल जी मास्टर साहब तो नहीं बोले, तो वो रोने लगे कि बेटा आपने हमें पहचाना, मैं कहा साहब आप गुरु हैं हमारे पिता हैं आपने हमें ज्ञान दिया है तो हम आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे, तो बोले बेटा हमें आपसे मिलना है, हमने उनसे कहा था आप नहीं आएंगे हम आएंगे आपके पास, तो हम उनको आशीर्वाद लेने गए। मेरे कहने का मतलब टोटल ये है कि जितना आप सीखें सीखने के बाद आपको जितनी समझ पैदा होती है उतना आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आया। और ये उनके चरणों का बताप है कि जब हम लोगों ने ये भजन प्रार्थना भी हम बुलाया करते सरस्वती वंदना जी, उसके अलावा मशहूर हो गए गजल में, उनके वाले साहब चाहते थे भाई
ये गजल की कोई जोड़ी नहीं है, बाकी और सभी जोड़ी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।